तो फाइनली गाइस मैं ना धो के रेडी हो गया हूँ। देखो बाल कैसी कटिंग हुई है मेरी, ज़्यादा ही छोटे कर दिए उसने, कोई ना सही है। तो गाइस अभी 11:30 बज चुके हैं, आज लेट हो गया कटिंग करा के आया ना, तो अभी जाते हैं अपन मंदिर, मंदिर जाके आते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी मंदिर जाकर आ गए हूँ, मैं मंदिर जाकर आया हूँ अभी, तो मैं अभी आइसक्रीम खा रहा हूँ। देखो ये मेरी मम्मी ने जमाई है आइसक्रीम, एक नंबर आइसक्रीम है, कल भी खाया था मैं, आज भी खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी आइसक्रीम जमाती है मेरी मैया। वो देखो पूजा कर, आइसक्रीम खाते हैं फिर खाना खा के मिलते हैं आपसे। वो देखो सोहन जी का फोन है, बाहर खड़े हैं स्कूटी लेके, क्या स्कूटी का ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक नए लग, ब्रेक शूट डलवाने जा रहा है वो, तो साथ में चलते हैं अपन, ब्रेक नहीं लग रही स्कूटी की, चलो चलते फिर। वो देखो वो खड़ा, क्या हो गया ब्रेक चिपक रहे इसके, जो ऑटोमेटिक ब्रेक है। तो वैस ब्रेक तो लग रहे है गाड़ी में, स्कूटी में ब्रेक तो लग रहे है, लेकिन क्या हो रहा है अगर एक बार ब्रेक लगा दिया ना ये, तो ब्रेक लगे ही रह रहे, मतलब छूट रहे नहीं, ऑटोमेटिक ब्रेक चिपक रहे हैं इसके। तो अभी दिखाने जा रहे हैं स्कूटी को, देखा क्या दिक्कत आ गई इसको। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गैरेज, ये देखो कितनी गाड़ियां खड़ी है, ये बहुत फेमस है, सिर्फ टू व्हीलर ठीक की जाती है। तो सोहन जी बात कर रहे हैं, देखा बहुत बड़ी, ये सही कर देते हैं बिल्कुल गाड़ी को, जिसलिए देखो कितनी भीड़ लग रही है इधर। तो वैसे भैया स्कूटी लेकर जा रहे हैं हमारी, चेक कर रहे थे क्या दिक्कत है, चला के देखेंगे, ये सब चेक कर रहे भैया, चला के तो आ ही गए, देख रहे क्या दिक्कत आ गई। तो वैसे अभी आगे का टायर खोल दिया भैया ने, पीछे बैठा हूँ मैं स्कूटी में, वो क्या गाड़ी आगे से उठ जाए, इसलिए पीछे बैठा रखा मेरे को। अब वो चेक कर रहे टायर खोल के क्या दिक्कत आ गई, गर्मी बहुत हो रही है इधर, धूप खतरनाक धूप पड़ रही है, ये देखो कितनी धूप है, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर, क्या करें छाया में नहीं जा सकता, गाड़ी पे बैठा हूँ ना, आगे से उठ रखी गाड़ी, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है भाई। अभी 12:15 हो रहे हैं, देखते कितना टाइम लगता है गाड़ी ठीक होने में। तो गाइस ब्रेक तो ठीक हो चुके हैं, टायर खोल के सही कर दिया उन्होंने, अब क्या है हॉर्न भी सही करवा रहे हो, हॉर्न ऐसा अजीब सा बज रहा है, कैसा बज रहा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके का बज रहा है, इसको बजाने आता है हर तरीके का हॉर्न, तो बस हॉर्न ठीक कर दे फिर रवाना होंगे यहाँ से। गाइस 12:30 बज चुके हैं, हम वहाँ से अभी जस्ट अभी रवाना हुए हैं, हमने क्या हॉर्न की एक वो क्लिप ढीली हो गई थी, जो क्लिप भी चेंज करवा ली, फिर भी वैसा मजा तो नहीं आया जैसा हमारे 60 रुपए लगे थे वहां पर, ब्रेक तो 50 रुपए ठीक कर दिया उन्होंने, और 10 रुपए की हॉर्न ने क्लिप आई थी, हॉर्न की क्लिप आई थी तो 10 रुपए की वो बनी, तो 60 रुपए लगे हमारे। तो भाई सभी हम आए पाइन एप्पल शेक पीने, अब हम शॉप पे, गर्मी लग रही थी भाई बहुत गर्मी आज। तो भाई सभी हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, तो भाई हमारा पाइन एप्पल शेक आ चुका है, चलो पाइन एप्पल शेक पीने, पहले आइसक्रीम मिलाएंगे इसमें चम्मच से, फिर बताते कैसा लगा। तो भाई हमने पाइन एप्पल शेक टेस्ट कर लिया है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, मज़ा नहीं आया पीने, सोन कैसे लगा तेरे को, सही है मीठा ज़्यादा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा ज़्यादा मीठा ही। तो गाइस पूरा मूड ख़राब हो गया, इतना बेकार जूस बहुत मीठा, जिसमें तो पपीता शेक और बढ़वा रहा था, मैंने मना कर दिया, जब ये इतना ख़राब है, पूरी चाशनी थी, मतलब उसमें टूटी फ्रूटी थी ना, आपको दिखाया था वो भी फीकी पड़ गई उस जूस के सामने, लास्ट में टूटी फ्रूटी आई जो भी फीकी लग रही थी मुझे, इतना मीठा था वो जूस, आइंदा कभी ना पीऊँ मैं इस जगह, बहुत गंदा जूस था भाई, बहुत मीठा, चीनी बिल्कुल, चीनी फेल, चाशनी थी पूरी, स्वाद नहीं है पाइन एप्पल का। तो इस मेरी आपसे यही सलाह है, पहले आप टेस्ट करें थोड़ा सा जूस, कहीं भी जाए तो पहले
एक गिलास ले, ज़्यादा कहीं ज़्यादा लोग हो अपन तो अपन एक साथ मंगा ले, तो पहले एक गिलास पीकर देखे फिर दूसरे मंगाए, तीन चार जितने ही पीड़ो, बहुत गंदा जूस था। तो वैसे हम घर पहुँच चुके हैं, अभी बज रहे हैं एक बज गए हमको आते आते, और ये देख लो गाड़ी हमारे चाचा जी ने गाड़ी को बिल्कुल साफ कर दिया, धो दिया, गंदी हमारे सोहन जी करते हैं और चाचा जी साफ कर देते, ये देखो चमका दी पूरी गाड़ी। वैसे मुंह खराब हो रहा है बहुत, ऐसे चिपचिपा सा हो रहा है अंदर अभी भी, तो अभी पानी बोतल मंगाते हैं, पानी पियेंगे भाई, बहुत खराब जूस था, बहुत खराब जिंदगी का अभी तक का सबसे खराब। तो वैसे अभी हम जीप के कलर कर रहे हैं, उसमें जंग आ गई अंदर की साइड से, आपको था तो देखो ऊपर प्लास लेने आया हूँ मैं, प्लास से सीट खोल रहे हैं ना तो बोल्ट पकड़ेंगे, बिना उसके बिना प्लास के निकल पा रहे हो, बोल्ट जाम हो गया पूरा, जंग आ गई ना अंदर की साइड से, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो वैसे ही देखो ये गाड़ी की सीट खोल दी है, ये हमने पीछे की सीट हटा दी, याली हटा रहे फिर वाली हटाएंगे, फिर इस पे करेंगे अपन रेड ऑक्साइड, आगे घूमेंगे मजे। ये देखो ये देखो कितनी जंग आ रही है, और आगे की साइड दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरी जंग आ गई खतरनाक, इसको रेजमाल से घिस दिया है अपन ने, अब इस पे रेड, ये सीटें हटा के रेड ऑक्साइड कलर कर देंगे पूरी पे, सोफे की गद्दियां लगाएंगे, खुद ही पेंटर बन गए अपन, फालतू ज्यादा खर्चा क्यों करें, क्यों रे सोहन जी, देसी जुगाड़ करके खुद ही कलर कर रहे हम। तो गाइस ये देखो हमारे उत्तम जी, उत्तम जी आप क्या कहना चाहोगे, घूम रहे थे यार ये पकड़ो कैसे में, तो देखो उत्तम जी पकड़ रखे नीचे प्लास से, वो एक बोल्ट खुल रहा है, नहीं दिक्कत आ रही है, ये देखो ये वाला बोल्ट। तो गाइस फाइनली कड़ी मशक के बाद सोहन जी ने एक सीट खोल दी, ये देखो, और ये हमारे चाचा जी आ गए। तो गाइस हम अंदर अंदर से पूरी गाड़ी को करेंगे ब्लैक, जेड ब्लैक, और बाहर से शाइन ब्लैक, और बाहर से देखते हैं अभी सेठ जी की, इधर से भी करो ब्रश मारो ब्रश, तो इसमें जंग के सही गाड़ी, ये जंग ही खरीदे थे और क्या जंग तो इस खरीदी है तभी तो आया जंग, मतलब आग ले उसके उसके से आई है। तो भाई आपको जंग दिखाता हूँ, देखो कितनी जंग, ये पूरी जंग है जो रेजमाल से घिस के निकाली हमने, और बाकी नीचे पड़ गई, ये देखो कितनी सारी जंग है, हम इसको घिस रहे हैं चप्पल से, इसको चप्पल से भी घिस सकते हैं, हाथ दुख जाए तो, और गलेंडर मशीन से भी घिस सकते हैं। फाइनली गाइस तीनों सीट हटा दी हमने, ये देखो जंग की बोतल, ये देखो जंग, ये कश्मीरी है, कश्मीरी बोल बजा रहे हैं सोहन जी, तो गाइस इन्होंने रेड ऑक्साइड तो लिया है पर तार पिन नहीं लेकर आए, तार पिन मिला के रेड ऑक्साइड होता है, क्योंकि जाट जाट होगा तो पब्बी छोड़ देगा, तो अभी जा रहे गौरव और उत्तम जा रहे हैं रेड ऑक्साइड लेने, ये देखो ये रे पैसे, इन पैसों से लाएंगे, कहाँ जा रहे हैं रे, रेड ऑक्साइड लेने, वो तार पिन लेने। तो गाइस हमारे सोहन जी जंग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, सोहन जी बताओ, इसमें जंग इसलिए आई है क्योंकि हम इसमें जंग गाड़ी में इसलिए आई है क्योंकि हम इसको बारिश में मचकाते रहते हैं, इधर से उधर चलाते रहते हैं, साली को बांटे देखते ना खड़ा, देखते ना कुछ, ऐसे बहुत है बस, और बारिश में और दौड़ाते, बारिश में दौड़ाते, पानी आता है तो पानी में घुसते हैं जानबूझ के नहीं जाते, पानी भर जाता है, फिर वापस धूप आती है, पानी सूख जाता है, फिर वापस जंग आ जाती है, जंग आ जाती है, फिर मेरे डैडी साफ करते रहते हैं, जिससे और भी ज्यादा जगह आ जाती है, और ज्यादा जगह आती है, जब भी दिल्ली से आते दो देते हैं। तो गाइस जी सामान लेकर आ गए, देखो क्या क्या लेकर आए, क्या क्या लेकर आए, और गाइस 290 रुपए का सामान आ गया है, तो हम ले आए ये रबर टोट है, ये डिपो पुट्टी है, ये डिपो पुट्टी है, ये तार पिन, ये तार पिन है, ये दो पत्ती। तो गाइस आप क्या कर रहे हैं इसे, इसमें जंग वंग जो धूल निकल रहे हैं बारीक, जो उसको उड़ा रहे हैं जिससे कलर सही से चिपक सके। तो फाइनली गाइस गाड़ी में पेंट होना स्टार्ट हो गया, ये देखो सोहन जी कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं,
ये देखो क्या शानदार लग रही गाड़ी। क्या है अभी रेड ऑक्साइड किया जा रहा है, फिर ये सूख जाएगा, इस पे रबड़ कोट करेंगे अपन, ब्लैक वाला, ब्लैक ही आता है वैसे तो, कोई दिक्कत रबड़ कोट। तो गाइस गाड़ी में अंदर है ना पूरा रेड ऑक्साइड कर दिया है अपन ने, जो देखो जंग नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। ये सूख जाए फिर अपन करेंगे रबड़ कोट, जिससे क्या है इसमें अगर पानी भी भर जाएगा ना तो दोबारा जंग नहीं आएगी इसमें, वो बेस्ट रहता है, जैसे कूलर के पींदे में करते हैं ना अपन, वो वाला रबड़ कोट कर देंगे जिससे जंग भी नहीं आएगी दोबारा। जीप के कलर करते करते हमारे सोहन जी थक गए, तो इन्होंने पेटीज मंगाई और ये कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, अभी पेटीज खा रहे हैं फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो गाइस अभी हम पी रहे हैं माउंटेन ड्यू, ये देख सकते हो आप कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू पी रहे हैं, इसका स्वाद इतना बेकार हो चुका है आपको क्या बताऊँ, पहले इतनी मस्त आती थी, अभी आप पीकर देखना कभी, हर चीज़ का स्वाद बिगड़ रहा है धीरे धीरे, पहले जैसी नहीं रही, मतलब पहले अच्छी आती थी, अब आप पी के देखना अभी जो आ रही माउंटेन ड्यू स्वाद कैसे है, पहले जैसी बात नहीं, करंट खत्म कर दिया बिल्कुल, करंट भी नहीं और अजीब सी है थोड़ी। तो गाइस आप देखो सोहन जी कैसे चला रहे खड़े होकर गाड़ी, ब्रेक कैसे लगाएगा, मुड्डी को पुट्टी भी कर दी गई, ये देखो ये इससे क्या जहाँ जहाँ छेद थे ना दराड़ आ रही थी ना, क्या जंग से एक थोड़ी दराड़ आ गई थी, टूट गई थी, तो छेद छेद में अपन ने ये भर दी जिससे कि अब कोई ज्यादा पानी मतलब पानी इकट्ठा नहीं होएगा, और अब कर रहे हैं इस पे, तो अब हम इस पे कर रहे हैं रबड़ कोट, वो देखो डब्बा खोल दिया अपन ने, अब इस पे पूरे पे रबड़ कोट कर देंगे जिससे कि इसमें अगर पानी भर जाएगा ना तो जंग नहीं आएगी। गाइस देखो कितना ज्यादा होता है ये रबड़ कोट, इसमें अपन ने तार पिन डाला है रबड़ की तरह, तार पिन डालते हैं थोड़ा पतला हो जाएगा, ज़्यादा पतला नहीं कर सकते इसमें, थोड़ा मोटा रहेगा हल्का सा तभी बैठेगा पूरे। तो गाइस वो डब्बे में मिक्स नहीं हुआ, तो अपन ने बाल्टी ली है छोटी बाल्टी, अभी इसे मिक्स कर रहे हैं, देखो हाथों से मिक्स कर रहे हैं हमारे सोहन जी, ये इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों आ गया, वैसे इतना नहीं आता यार सोहन, ज़्यादा पुराना है, ख़राब दे दिया मेरे को ऐसा लग रहा है, है ना खराब है ना, डाल दिया। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो फाइनली गाइस रबड़ कोट हो गया है, 8 बज गए, आधे घंटे में हो गया, अब एक हाथ और करेंगे अपन कल करेंगे, क्या ये एक बार सूख जाए, क्योंकि बार बार थोड़ी सीटें खोलेंगे तो एक बार में अच्छी तरह करेंगे, तो अब कल करेंगे अपन रबड़ कोट इसको सूखने के बाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।